हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल। पैनासोनिक का मीट मिक्सर मशीन का डेमो और रिव्यू मैं दोनों में आपको देने वाली हूँ। आज हम देखेंगे कि इस मिक्सर से किस तरह से आसानी से घर पर कीमा बनाया जा सकता है। तो चलिए फिर इस मशीन की हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स को सबसे पहले कट कर लेंगे और इसके अंदर जो सारा सामान है उसको मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। ये मशीन में लगाने वाला हैंडल है, इसके अंदर से ये कीमा निकलेगा। ये देखिए, पहले से इसमें प्लेट लगकर आई है और दूसरा ये कीमे को पुश करेंगे। इसके अंदर से हम कीमे को अच्छे से पुश कर लेंगे और दूसरी ये मशीन है, इसके अंदर एक प्लेट भी दी हुई है, इसको भी हम बाहर निकालेंगे। इस प्लेट में हम जो मटन होगा उसको रखेंगे और ये दिया हुआ है मेथड मशीन को किस तरह से आपको चलाना है, आप इससे भी देख सकते हैं। इस प्लेट को हम मशीन के ऊपर सेट करेंगे और इसके ऊपर मटन रखकर इसे अच्छे से पुश करके इससे हम कीमा बनाकर तैयार करेंगे। मशीन को हमने बाहर निकाल लिया है। ये मशीन मैंने पैनासोनिक की ली है और इसका जो मॉडल नंबर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, MKGX1710 और ये 1700 वाट की है। और इसके अंदर जो ये पुशर दिया हुआ है, इसके अंदर सारे फिक्सर है, तो इसे हम सबसे पहले खोलेंगे। ये देखिए, इसके अंदर फिक्सर है, आप अपने हिसाब से मोटा पतला महीन जैसा भी कीमा चाहे उसकी प्लेट को आप इस तरह से सेट कर सकते हैं और सेट करने के बाद अपनी पसंद का कीमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे मीडियम कीमा निकलेगा और इससे मोटा। और ये जो एक प्लास्टिक की प्लेट दी है, इससे हम जो हमारे फिक्सर है इस तरह से हम साफ कर सकते हैं, जो इसके छेद में जो कीमा फंस जाएगा, तो इस तरह से आप आसानी से साफ करके इसे रख सकते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा यूजफुल मशीन है। दूसरा, ये जो तीन अटैचमेंट दिए हैं, इससे हम सॉसेज और कबाब बना सकते हैं, तो तीनों को एक साथ लगाकर हमें यूज करना है। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल मशीन है। ये देखिए, इससे आप आसानी से सॉसेस और कबाब भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। तो चलिए फिर देख लेते हैं इस मशीन से किस तरह से कीमा बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले इसको हम इस तरह से ओपन कर देंगे और इसके अंदर जो ब्लेड लगा है और इसे भी हम निकाल लेंगे और इसके अंदर जो ये कटर दिया हुआ है इसको भी हमें बाद में लगाना है। तो इस तरह से मैंने इसकी जो प्लेटें और कटर है सब निकाल लिए हुए हैं और इसे हम मशीन के अंदर सेट करेंगे। इसके अंदर ये लॉक दिया हुआ है, इसे लगाने में आपको बिल्कुल लॉक की जरूरत नहीं, जब इसे हम निकालेंगे तब इसमें हमें लॉक की जरूरत पड़ेगी। इस पाइप को सेट करने के लिए हल्का सा टेढ़ा करेंगे और इस तरह से सीधा कर देंगे। जब इसमें कट से आवाज आएगी तो ये पाइप आपका सेट हो चुका है। ये देखिए, अच्छे से लग चुका है। तो इस तरह से इसे हम लगाकर तैयार कर लेंगे और इसे निकालना है तो इस बटन को दबाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप इसे निकाल कर आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए, इसका लॉक लग चुका है। तो इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना। इसके बाद जो ये लंबा वाला कटर दिया हुआ है इसको भी हम अंदर पहले सेट करेंगे और ऊपर से जो छोटा वाला कटर है इसे भी सेट कर देंगे। कटर जिस तरफ धार है उस तरफ आपको सामने की तरफ रखना है। इसके बाद आप कीमे के हिसाब से मोटा या पतला जैसा भी हो उसके हिसाब से आप इस फिक्सर को लगा दे और इस तरह से इसे हम सेट कर लेंगे पकड़कर हाथों से। ये देखिए, बहुत ही आसानी से सेट हो चुका है। इसमें मैंने महीन कीमे की जो फिक्सर की प्लेट है वो लगा दी है। ऊपर से प्लेट लगा देंगे जिसमें हमें मटन रखना है, तो ये भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए, इस मशीन में दो बटन दिए हुए हैं, आप इसे R से रीसेट कर सकते हैं। कीमा बनाते समय अगर मटन फंस जाएगा तो आप इसे रीसेट करके चला सकते हैं, तो ये उल्टी चलेगी। मैंने यहाँ पर 500 ग्राम मटन लिया हुआ है। तो चलिए फिर मैं इसे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें कीमा बनकर तैयार होगा। इसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप इस बटन को जितनी देर दबाकर रखेंगे उतनी देर ये मशीन चलेगी। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो मशीन चलना बंद हो जाएगी। जब तक आप कीमा बनाएंगे तब तक इस बटन को अच्छे से दबाकर रखना है। ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने फिक्सर था वो महीन वाला लिया था, तो इस मशीन से एकदम महीन कीमा निकलकर तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड, मुझे ये मशीन तो बहुत ही यूजफुल लगी। अपनी पसंद के अपने हिसाब से आप मोटा पतला महीन जैसा भी कीमा चाहे इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इस मशीन में जो ब्लैक कलर का पुशर दिया हुआ है उसकी मदद से मटन को पुश करते जाएंगे तो ये कीमा आसानी से निकलता चला जाएगा। ये देखिए, जो 500 ग्राम मटन था आसानी से कीमा उसका बन चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने फिक्सर महीन कीमे का लगाया था तो कितना अच्छा सा ये महीन कीमा बनकर तैयार है। फ्रेंड, ये मशीन तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कभी भी इस मशीन से झटपट आसानी से कीमा बना सकते हैं। उसके बाद इस मशीन को हम क्लीन कर लेंगे। इस तरह से इसको खोल लेना है और इसके अंदर जो फिक्सर है इसे भी हम निकाल लेंगे और इसके अंदर जो ब्लेड है उसे भी हम निकाल लेंगे। इसके अंदर जो ये फंसा हुआ कीमा इसे भी हटा देंगे और इसे इस तरह से आप सेट कर सकते हैं क्लीन करने के बाद। आपको ये मशीन का रिव्यू और डेमो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।